आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। घनसौर क्षेत्र में स्टेडियम की मांग तेजी से जोर पकड़ते हुए दिख रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए सिटीजन रिपोर्टिंग के तहत रघुवीर सोनी की रिपोर्ट। मंगलवार को घनसौर क्षेत्र के सैकड़ों युवाओं के द्वारा रैली निकाल कर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिस जगह पर खेल मैदान हुआ करता था वहां पर सीएम राइज स्कूल का निर्माण प्रगति पर है, जिसके चलते युवा लगातार खेल से दूर होते जा रहे हैं। युवाओं के द्वारा खेल स्टेडियम की मांग को लेकर एक बार फिर सड़कों पर वे उतरे और इनकी गर्जना वैसी ही दिखाई दे रही है जो प्रौढ़ हो रही पीढ़ी इस बात को समझ सकती है, जिस तरह सिवनी के स्टेडियम को लेकर छात्र नेता रहे स्वर्गीय संजय चौरसिया के द्वारा एक आवाज़ बुलंद की गई थी। उस दौरान विधायक और मंत्री हुआ करती थी सुश्री विमला वर्मा और गार्गी शंकर मिश्र सांसद हुआ करते थे। तब उनके द्वारा एक नारा दिया गया था कि आश्वासन नहीं स्टेडियम चाहिए, और उनके इस नारे के बाद सिवनी को एक स्टेडियम मिला। आइए हम सुनते हैं क्या कहना है युवाओं का इस बारे में। मुख्यमंत्री महोदय जी, मध्य प्रदेश शासन भोपाल विषय घनसौर में सर्व सुविधा युक्त खेल मैदान स्वीकृत करने हेतु पत्र। महोदय जी, सविनय निवेदन है कि हम सभी घनसौर क्षेत्र की युवा शक्ति एवं खेल प्रेमी मैदान की मांग को लेकर आपको ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं। आपको अवगत किया जा रहा है कि घनसौर में पहले एक खेल मैदान था, जिसमें वर्तमान स्थिति में सीएम राइज स्कूल का निर्माण कार्य चल रहा है, जिससे घनसौर क्षेत्र की युवा शक्ति विगत कुछ वर्षों से मैदान विहीन हो चुकी है। घनसौर में खेल मैदान के अभाव में सभी प्रकार के खेल समाप्त होने की कगार पर आ चुके हैं, जिससे इस क्षेत्र की प्रतिभाएं गर्त में जा रही हैं। इसके पहले भी खेल मैदान को लेकर अनेकों प्रयास किए गए, लेकिन घनसौर को हमेशा निराशा ही हाथ लगी है। निवेदन है कि घनसौर की सभी युवा शक्ति अपनी विभिन्न मांगे ज्ञापन के माध्यम से सरकार एवं प्रशासन को अवगत करा रही है। हमको पूर्ण विश्वास है कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करेगी, जिससे घनसौर में एक बार फिर खेल का उदय हो सके एवं इस क्षेत्र की प्रतिभाओं को एक सुंदर मैदान मिल सके। हमारी मांगे निम्नलिखित हैं: घनसौर पंचायत में राज्य स्तर क्रीड़ा प्रांगण का निर्माण किया जावे, सर्व सुविधा युक्त खेल मैदान का निर्माण किया जावे, खेल मैदान का निर्माण पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जावे, खेल मैदान में गुणवत्ता पूर्ण सामग्री का उपयोग किया जाए, इंडोर एवं आउटडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाए, महिलाओं की सुविधा हेतु खेल मैदान में विशेष उपाय किए जाएं, खेल मैदान के अंदर व्यायामशाला का निर्माण किया जाए, 6 महीने के भीतर खेल मैदान की जगह चिन्हित कर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए, अन्यथा सभी युवा साथियों के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन एवं प्रशासन की रहेगी। प्रतिलिपि खेल एवं युवा कल्याण मंत्री मध्य प्रदेश सरकार, प्रभारी मंत्री जिला सिवनी करण सिंह वर्मा जी, माननीय स्थानीय सांसद महोदय भारत सरकार, माननीय स्थानीय विधायक महोदय मध्य प्रदेश सरकार, जिला कलेक्टर महोदय सिवनी, जिला खेल अधिकारी सिवनी, पुलिस अधीक्षक महोदय सिवनी, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस घनसौर, जनपद पंचायत घनसौर, ग्राम पंचायत घनसौर। अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। अभी तो यह लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो यह लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मैदान बनेगा, खेल बचेगा, मैदान बनेगा, खेल बचेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवाओं के द्वारा क्या कहा गया, युवाओं के अंदर का जोश आपको दिखाई दे रहा होगा, आपने सुना होगा युवाओं के अंदर का जोश, नारेबाजी। हम आपको बता दें कि जिला मुख्यालय सिवनी में जो स्टेडियम है, जिसे अघोषित तौर पर फुटबॉल स्टेडियम और पैदल घूमने के लिए अघोषित तौर पर आरक्षित किया गया है, उस स्टेडियम को अगर बनवाया गया है तो उस स्टेडियम का निर्माण उस दौर में 80 के दशक में छात्र नेता रहे संजय चौरसिया, उनके द्वारा जब बार बार आश्वासन दिया जाता रहा, बार बार स्टेडियम के लिए सुश्री विमला वर्मा और गार्गी शंकर मिश्र बार बार आश्वासन दिया करते थे, तब उनके द्वारा एक नारा दिया था, आश्वासन नहीं अब स्टेडियम चाहिए। आश्वासन तो बहुत हो गए, उसके बाद
सिवनी में इसकी मांग बहुत ज़बरदस्त तरीके से जोर पकड़ती रही और सिवनी में एक स्टेडियम जो पुलिस ग्राउंड के पास में है, पुलिस लाइन के आगे स्टेडियम है, उस स्टेडियम को यहां पर बनाया गया था जिसे अघोषित तौर पर फुटबॉल का स्टेडियम और सुबह सशुल्क जाकर आप पैदल घूम सकते हैं इसके लिए आरक्षित कर दिया गया है। इस पर फुटबॉल नहीं खेल सकते हैं लोगों का कहना है क्योंकि इसकी घास खराब हो जाएगी, इसका डर है। आइए फग्गन सिंह कुलस्ते क्षेत्रीय सांसद का क्या कहना सुनते हैं। रिक्वायरमेंट था 3 और इसीलिए हम उस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाए तो अन्यत्र 1,80,00,000 रुपए जो सेंक्शन हुए थे वो अन्यत्र हस्तांतरित हुआ जिले के किसी अन्य स्थान में जहाँ पर जमीन हमको उपलब्ध हो गया जिले तो स्थानित हो गया। आज आवश्यकता है हमारे सब नौजवान या गांव के नगर के लोग यहाँ पर खेल मैदान की डिमांड आप सब लोग कर रहे हैं। अभी जैसे आप लोगों ने सुझाव दिया है कि यहाँ पर कुछ ज़मीन है करीब 7 एकड़ ऐसा बता रहे, मैंने निर्देश किया प्रशासन को और उसमें आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। ये मैंने उनको कहा है कि निश्चित तौर से ज़मीन अगर हमको उपलब्ध हो गया तो हम आगे बढ़ पाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिला ये मैं कहूँगा। परंतु हमारे पास जो ज़मीन उपलब्ध होना चाहिए ये हमारी पहली प्राथमिकता है, इसमें आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। मैंने तो ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री और क्षेत्रीय सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते। फग्गन सिंह कुलस्ते के द्वारा जो कहा गया वो आपने सुना, क्षेत्र के सांसद हैं और वे बेहतर तरीके से यहाँ पर स्टेडियम का निर्माण करवा सकते हैं। युवाओं के इस जज्बे का उन्हें सम्मान करना चाहिए, घनसौर क्षेत्र में एक स्टेडियम होना चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो जिला मुख्यालय में एक स्टेडियम है, एक अदद स्टेडियम है, वहाँ पर भी खेल कूद नहीं ही होते हैं, नहीं के बराबर होते हैं। क्रिकेट के लिए कोई स्टेडियम नहीं है, जिला क्रिकेट संघ पूरी तरह निष्क्रिय बैठा हुआ है। हॉकी का एक स्टेडियम है, फुटबॉल का कोई स्टेडियम यहाँ सिवनी में नहीं है। इसके अलावा बास्केटबॉल और अन्य जो खेल हैं उनके लिए भी कोई पृथक से स्टेडियम नहीं है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में सिटीजन रिपोर्टिंग के तहत घनसौर से रघुवीर सोनी की रिपोर्ट। युवाओं का जज्बा आपको दिख रहा होगा, वक्ताओं के द्वारा इस संबंध में क्या कहा गया, वे किस तरह के आंदोलन को कर रहे हैं, आंदोलन क्यों कर रहे हैं घनसौर क्षेत्र के युवा, इस बारे में हम आपको बताते हैं, हम आपको सुनाते हैं। घनसौर क्षेत्र के युवाओं का क्या कहना है, वे इस मामले में पूरे मामले में क्या विचार उनके हैं। इन मांगों को लेकर भैया आपने ज्ञापन सौंपा और सांसद जी से मिले हैं? आज खेल मैदान को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया है। जैसा कि सर्वविदित है कि घनसौर में पहले खेल मैदान हुआ करता था, तो सीएम राइस स्कूल आने के बाद से सीएम राइस के अधिग्रहित हो चुका था, तो खेल मैदान की समस्या निरंतर बनी हुई थी। तो आज घनसौर के तमाम युवा वर्गों ने और साथियों ने मिलकर के कुलस्ते जी को और जनपद के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को, तहसीलदार महोदय को, कलेक्टर महोदय को, सभी को एक ज्ञापन प्रेषित किया है कि जल्द से जल्द युवाओं के खेल मैदान की जो समस्या है उसका निपटारा किया जाए। और युवा मन की एक ये भी मांग थी कि जिस तरीके से पहले भी ग्राउंड में भ्रष्टाचार हुआ है खेल मैदान को लेकर के, उसको भी मद्देनज़र रखते हुए ज्ञापन सौंपा गया कि जो मैदान हम लोगों को स्वीकृत हो रहा है, जिस जनचर्चा है कि 6 एकड़ का बेल्ट पड़ा हुआ है जिसमें खेल मैदान बनाया जाना है, उस पर जो कंस्ट्रक्शन होना है उसमें किसी भी तरह का भ्रष्टाचार ना हो, नियम पूर्वक बने और सही मैदान युवाओं को मिले, इस चीज़ों को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया। चलिए ठीक है। आप लोग किस लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं? हम लोग आज खेल मैदान की मांग को लेकर एकत्रित हुए थे। हम चाहते थे कि मैदान सर्वसुंदर घनसौर में बने, इसलिए यहाँ एकत्रित हुए। आप सांसद जी के द्वारा मिले, सांसद जी ने क्या आश्वासन दिया आपको? सांसद जी ने हमसे कहा है कि जगह स्वीकृत हो गई है, तहसीलदार को उन्होंने आदेश कर दिया है, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम तहसीलदार साहब से संपर्क करेंगे और जल्द से जल्द जगह चिन्हित करेंगे और एक खेल मैदान का निर्माण जल्द से जल्द प्रारंभ हो, ये पूरा प्रयास करेंगे हम। युवाओं का क्या कहना था ये आपने सुना। दरअसल युवाओं के द्वारा जो मांग है की गई है उसमें घनसौर पंचायत में राज्य स्तर का क्रीड़ा प्रांगण का निर्माण किया जाए, सुविधायुक्त खेल मैदान का निर्माण किया जाए, खेल मैदान का निर्माण पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाए, खेल मैदान में गुणवत्तापूर्ण सामग्री का उपयोग किया जाए, इंडोर और आउटडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाए, महिलाओं की सुविधा हेतु खेल मैदान में विशेष उपाय किए जाएँ, विशेष प्रबंध किए जाएं, खेल मैदान के अंदर व्यायामशाला का निर्माण किया जाए, 6 महीने के अंदर खेल मैदान की जगह चिन्हित कर कार्य प्रारंभ किया जाए, अन्यथा युवाओं ने चेतावनी दी है कि वे इस
अगर ये सब नहीं होता है तो 6 महीने के बाद वे उग्र आंदोलन करेंगे जिसकी जवाबदेही प्रशासन की होगी। ये जज्बा वैसा ही दिख रहा है जैसा जज्बा 1980 के दशक में 1980 के आसपास या 1985 के आसपास छात्र नेता संजय चौरसिया के द्वारा उद्धत एक नारा आश्वासन नहीं स्टेडियम चाहिए के दौरान दिख रहा था। वास्तव में एक खेल मैदान की ज़रूरत है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए सिटीजन रिपोर्टिंग के तहत रघुवीर सोनी की रिपोर्ट। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। फिर हम नई जानकारी लेकर आ जाएंगे। फिलहाल इजाज़त लेने चाहेंगे। जय हिंद।